हाय देवेंद्र थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस लाइव और थैंक यू एक्चुअली ये जो पॉडकास्ट है ट्रेवलिंग से रिलेटेड हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि एक्चुअल लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वहां जाकर के या फिर एक्चुअल में क्या हमको वहां पर एक्सप्लोर करना चाहिए और क्या नहीं उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आप केदारनाथ जी गए थे राइट लास्ट टाइम तो हम लोग केदारनाथ जी yeah. के बारे में डिस्कस करेंगे कि वहां पर आप कैसे पहुंचे थे केदारनाथ जी आपको किस समस्याओं का सामना करना पड़ा और आप किस तरीके से उन समस्याओं से निपटे तो सबसे पहले मैं आपसे okay. जानना चाहूंगा कि केदारनाथ जी आप जब गए थे तो अराउंड uh, किस मंथ में गए थे लास्ट टाइम जब आप गए थे पिछले सा, पिछले साल साल अक्टूबर में गया था अक्टूबर में गए थे मतलब बरसात का सीजन रहा होगा तो क्या आपको बारिश पड़ी थी फिर उस टाइम पे या फिर नही नहीं 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 मैंने बारिश नहीं, नहीं थी बारिश नहीं थी ओके नहीं थी ओके तो आप मुंबई से गए थे राइट केदारनाथ जी तो मुंबई से आप कैसे गए थे मतलब आप मुझे बताएंगे बाय ट्रेन बाय बस कैसे जी देखो सबसे पहले मुंबई से आपको जाने के लिए ना दो वे से तो मैं जो है। जिस वे से गया हाँ, वो बदल रहा हूँ तो देखो तो मुंबई से अगर आप जा रहे हो तो आपको बैंड्रा टर्मिनल जाना है और बैंड्रा टर्मिनल से दिल्ली के लिए आपको ट्रेन मिलेगी ओके ओके ठीक आपको दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन पे उतरा था और निजामुद्दीन से मैं फिर गया अपना जो पहाड़गंज एरिया है दिल्ली का वहां से सारे ट्रेन हरिद्वार के लिए जाते हैं ओके फिर बाद में आपको दिल्ली से दिल्ली से आपको हरिद्वार की ट्रेन मिलेगी आपको हरिद्वार जाना है और रेल्स आप क्या कर सकते हो आपको डायरेक्टली भी ट्रेन मिल सकती है फ्रॉम मुंबई टू तो हरिद्वार ओके आपको रुकना है हरिद्वार हरिद्वार उतरे थे हाँ फिर हरिद्वार से हमने क्या किया था हम गए थे आश्रम में रुके थे हरिद्वार में और फिर वहां से हम नेक्स्ट डे निकले फाटा के लिए फाटा एक केदारनाथ के नजदीक का स्टेशन है और हरिद्वार okay. से जाते हैं गवर्नमेंट के okay. फाटा ओके okay, तो मैंने नेक्स्ट स्टॉप था फाटा के यहाँ फाटा में मैं रुका था और फिर फाटा से हम गए okay, तो सोनप्रायग गया था और फिर सोनप्रायग से हमने डायरेक्टली ट्रैकिंग स्टार्ट किया था तो हमने सोन ट्रैक से ट्रैकिंग स्टार्ट किया था तो हमने बेस से स्टार्ट किया, और फिर बाद में जो ब्यूटी है तो, तो फिर बाद में एक चीज मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहता हूँ अगर आप केदारनाथ ट्रैक कर रहे हो तो आपके साथ जो कपूर की रहता है ना कपूर की गोली रहती है वो साथ में रखना और चढ़ना ऊपर चढ़ते वक्त और उसके साथ साथ ग्लूकोज का पानी भी आपको पीना है। कौन सा पानी? ओके okay, मैंने क्या, क्या? का पानी जो क्योंकि क्या हुआ था ना मेरे को पहले से ही ऑन करके रखा था जो जिन्होंने जो लोग हमें ले लेके जा रहे थे कि भाई आपको करना है करके आपको नहीं लगेगा करना है पानी पीना आपको नहीं लगेगा कि मुझे प्यास लगे आपको पीना है अच्छा तो मैंने नहीं सुना उनका मैंने सुना ही नहीं चलते ही गया चलते गया क्यूँकी कैसा

बड़े स्वर्ग है वर्थ ही थे मतलब स्वर्ग में आया हूँ ऐसे लग रहा मतलब मैं यशुद्ध पढ़ने के कगार पे हूँ तभी भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्वर्ग में हूँ इसकी खुशी मेरे को बट अगर आप केदारनाथ जा रहे हो मैं तो बोलूंगा अगर आप जाओ मतलब जाओ आप केदारनाथ अभी बैग भरो और जाओ अभी बारिश है हाँ पहाड़ वहां पे पहाड़ गिरने के बहुत चांसेस है तो कान खुले रख के चलना ऐसे नहीं आप फुल गाना सुन रहे हो बाबा जी का और चल रहे हो फुल हाँ करते करते क्योंकि लास्ट टाइम जब भी मैं गया था तो भी मतलब लाइक हम पैदल चल रहे हैं वॉक मतलब कि क्रॉस कर रहे हैं रोड और एकदम से जस्ट हमारे पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान हमारे पीछे गिरी मतलब हम लोग सिर्फ चार या पांच सेकंड के लिए मतलब बचे थे तो ऊपर वाले ही नहीं बचाया था हाँ। हम लोग दो तीन लोग थे तो बस बाबा का आशीर्वाद था तो वही है हाँ। तो थोड़ा सा बस ध्यान रख के चलना चाहिए और अपना रील में ही हुए, रहे हैं, रील और बना रहे क्योंकि एक हादसा हुआ था बताओ यह हादसा भी चलेगा क्योंकि थोड़ा सा कुछ लोगों को हर्ट करेगा ना हम केदारनाथ फिर से ट्रैक कर रहे थे नीचे के लिए तब हम नीचे रुके थे तब हमें एक जो दुकान रहते हैं ना वो पे शॉप रहते है केदारनाथ के ऊपर तो उन्होंने मुझे हमें एक इंसिडेंट बताया हाँ कि कल ही एक बंदा चाह रहा था खच्चर के ऊपर से हुँ? और ऊपर से एक पत्थर गिरा उसके सर के ऊपर खच्चर भी खलास और वो बंदा भी खलास हुँ? तो प्लीज आप जा रहे हो तो घूमने नहीं जा रहे आप कान दर्शन खुले कर, रख आप ऊपर दर्शन करें आप ऊपर जाके कुछ करना है, रील करना क्योंकि ऊपर बहुत ड्यूटी है नीचे हुँ? से भी तो ऊपर जाके रील करो नीचे आप सिर्फ ध्यान में रखो कि आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है ऐसे कान खुले रख के चलो क्योंकि आपकी भी आप बहुत केयर करो आप जा रहे हो सही तो केदारनाथ क्यों जाते थे आपको बता दो तो, आपको जब लोगों के दिन भरते थे ना मतलब लास्ट के के दिन थे, भिल्कुल, भिल्कुल, तो के चार थे, हा, हा, तो चार धाम जा रहे करके वहां मतलब इससे आप समझ सकते हो कि बहुत रिस्की जगह है अगर आप जा रहे हो तो आप आओगे कि नहीं आपके नसीब के ऊपर है बट नहीं आओगे आप मैं आपको घबरा नहीं रहा हूँ बट जो इंश्योरेंस मैंने मेरे आंख से देखे ना कि एक कार है उसके ऊपर पत्थर गिरा है और वो ऐसी कभी हुई है उसके पीछे तो ये इंश्योरेंस आप देखते हो तो आपको आपके दिमाग में क्या आएगा आप मुझे बोले ही, ही, और ये मुझे इंश्योरेंस पे दिख रहा है पता है मैं जब फाटा से जा रहा हूँ तब मतलब मैं अभी तक सोनप्रयाग भी नहीं पहुंचा पहुंचाऊ और मेरे फाटा पे ये सब दिख रहा है मुझे देखो ही, ही, मतलब देखो अगर आप कार भी ड्राइव करो ना बहुत ही कान खुले रखो आपके आप हमारे सामने आपको बता दूं कि हमारे सामने इलेक्ट्रिक की गाड़ी ऐसी पलटी हुई मिलिट्री की गाड़ी पलटी हुई तो कोई रुकता भी नहीं अगर कोई पलटी होता है तो आगे जाके रुकता है क्योंकि पहाड़ गिरने के चांसेस होते हैं तो इसलिए आपको हेल्प भी कोई नहीं कर सकता क्योंकि आ, उस, उसकी भी जान खतरे में हो सकती है तो, तो आपको खुद को आपका ध्यान रखना है एक चीज ध्यान में रखो केदारनाथ जाओगे तब बाकी ऊपर तो स्वर्गी में जैसे बोला अभी बिल्कुल स्वर्ग स्वर्ग है मैंने बहुत खूबसूरत है नहीं इतना आप आपके ऐसे सपने भी आएगा हाँ, केदारनाथ हाँ, के बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया ठीक है फिर से जाएंगे बिल्कुल 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 चलते हैं तो बहुत अच्छा हाँ, लगा देवेंद्र आपने बहुत सारी जानकारी बताई कपूर वाली जो बताई वो बहुत ही अच्छी थी बिल्कुल कपूर लेकर के जाएंगे ग्लूकोज का पानी पीते रहेंगे हम लोग और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइंग दिस लाइफ और थैंक यू सो मच जय केदारनाथ जी मिलते हैं जय केदारनाथ